हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी मास्टर साहब में। और दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है सीमेंट के ऊपर, बिल्डिंग मटेरियल में। अभी हम लोग सीमेंट का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक वाइज वीडियो है वो डाली जा रही हैं, ताकि आपको आसानी हो, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप उस टॉपिक को देखें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप पढ़ें। हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में इंट्रोडक्शन देखा है, कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स देखा है। अब ये कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर को हम लोग देखने जा रहे हैं। ये जो कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर है, इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो अभी हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगता है उसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अब देखिए कि ये जो हमने पहले पढ़ा कि कुछ हमारे पास क्या है कि रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं, लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है ना, ये तीन बेसिक होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, और उसके बाद आपका होता है आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। और क्या क्या होता है, और हमने पढ़ा था मैग्नीशिया होता है, उसके बाद आपका सोडा होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। ये सारे रॉ मटेरियल्स हम लोगों ने देखा कि ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं, इनका सीमेंट के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब क्या है कि जब हम इन सारे रॉ मटेरियल्स को जब हम क्या करते हैं, किल्न में डालते हैं, किल्न मतलब भट्टी में जहाँ पे सीमेंट बनता है, जब हम किल्न में डालते हैं इन सारे रॉ मटेरियल्स को, तो ये फ्यूज करता है, यानी मिलता है, फ्यूज मतलब मिलावट भी आप बोल सकते हैं, मिलाना भी बोल सकते हैं, फ्यूज करता है और हमें चार मेजर कंपाउंड देता है। क्या देता है, चार मेजर कंपाउंड देता है, फ्यूज करके हमें चार मेजर कंपाउंड देता है। पहला हमारा होता है ट्राई कैल्शियम, ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, एक ये कंपाउंड हमें मिलता है। दूसरा हमें मिलता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। थर्ड हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और एक और कंपाउंड हमें मिलता है, वो हमारा होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, ठीक है, एल्यूमिनो फेराइट। ये चार कंपाउंड हमें मिलता है इन सारे रॉ मटेरियल्स को फ्यूज करने, किल्न में जब डालते तो फ्यूज होके हमें ये चार कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। ये चारों कंपाउंड जो आपका होता है, ठीक है, ये चारों कंपाउंड जो आपका होता है वो आपका कहलाता है क्या, वो आपका कहलाता है बॉक्स कंपाउंड, ठीक है, वो आपका कहलाता है क्या, बॉक्स कंपाउंड्स, ठीक है, बी ओ यू, ठीक है, जी सॉरी बी ओ जी यू 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 ई बॉक्स कंपाउंड, ये चारों हमारा कहलाता है बॉक्स कंपाउंड, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा कि जब हम जो रॉ मटेरियल्स होते हैं इसको किल्न में डालते हैं, भट्टी में डालते हैं, तो ये फ्यूज करता है और फ्यूज करके हमें चार मेजर कंपाउंड देता है। ये चार मेजर कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो ये चार मेजर कंपाउंड आपके क्या क्या हैं, ये चार मेजर कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्रैक्ट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ये चार कंपाउंड हमें मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्स कंपाउंड बोलते हैं। अब इन चारों कंपाउंड का क्या फंक्शन है और इनका क्या काम है और इसको किस किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा था ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 3CaO, याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है जेई के एग्जाम में ये फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है 3CaO SiO2, ठीक है। और ये फॉर्मूला तो पूछा ही जाता है जेई में भी और ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी इसको पूछा जाता है,
थ्री सी ओ एस आई टू इसका फॉर्मूला होता है और इसको हम लोग एक नाम होता है, नाम क्या होता है एलाइट, एलाइट इसको हम लोग बोलते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है आपका सी थ्री एस। ये क्या है, ये आपका सिंबल है, ठीक है, ये आपका नेम है, ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा था डाई कैल्शियम सिलिकेट, हमें दूसरा कंपाउंड क्या मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला ये सब भी आपको याद रखना चाहिए। दूसरा हमारा है डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट इसका फॉर्मूला होता है 2CaO, ठीक है, SiO2, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नेम होता है बिलाइट, ठीक है, और इसका सिंबल होता है C2S, ठीक है। थर्ड हमारा था ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इसका फॉर्मूला होता है 3CaO, ठीक है, Al2O3। याद रखना है सारे का फॉर्मूला, याद रखना है नाम भी, याद रखना है और सिंबल, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिलाइट, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है C3A। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसका क्या फंक्शनिंग है, क्या क्या है। और चौथा हमने पढ़ा था टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, एल्यूमिनो फेराइट, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4CaO और आपका Al2FE2O3, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फेलाइट, ठीक है, और इसका फॉर्म क्या होता है C4AF, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चार बॉक्स कंपाउंड जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका क्या नाम होता है, उसको किस सिंबल से दिखाते हैं, ये सारी चीजों के अब एक एक करके हम इन सब चीजों को देखेंगे कि ये इसका क्या फंक्शनिंग है, इसका क्या प्रॉपर्टीज है। हमारा सीमेंट के अंदर जो चार बॉक्स कंपाउंड हमें मिलते हैं क्लीन में, क्लीन के बाद, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट पे, किस पे चलते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं C3S, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। देखिए इसको आप कंसीडर कर सकते हैं बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, एज ए बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, एज ए बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि ये जो आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, ये क्लिंकर जो होता है, जो क्लिंकर हमारा बनेगा उसको ग्रिंड जो हम लोग करते हैं आसानी से पीस सकते हैं, उस लायक बना देता है, क्या करता है, उस लायक इसको बना दे सकता है ताकि ये इजिली ग्रिंड हो जाए, क्या हो जाए, इजी टू ग्रिंड, ठीक है, इजी टू ग्रिंड हो जाए। उसके बाद क्या है कि ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है कि सीमेंट में जो आपका फ्रीजिंग होगा, मतलब जमना या थॉविंग, मतलब गलना, फ्रीजिंग और थॉविंग जो होता है उसको रोकने के लिए रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, कौन इंक्रीज करता है, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इंक्रीज कर देता है, किस चीज को, रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीजेस रेसिस्टेंस टू फ्रीजिंग और थॉविंग, फ्रीजिंग और थॉविंग से बचने के लिए ये रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, कौन करता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट करता है, C3S जिसको बोलते हैं। अब बात आती है कि जब आप अब आगे पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में, ठीक है, जब हाइड्रेशन होता है तो ये क्या करता है, सबसे ज्यादा हाई हीट जनरेट करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या करता है, हाई हीट जनरेट करता है, हाई हीट जनरेट करता है, ठीक है, हाई हीट जेनरेट करता है, कब, हाइड्रेशन में, जब हाइड्रेशन होता है इसका, तो ठीक है, और जिसके वजह से क्या होता है कि जो हाई हीट जेनरेट हो रहा है उसके वजह से क्या होता है, इसमें जल्दी हार्डनेस और स्ट्रेंथ आ जाता है, इसके वजह से क्या होता है, इसमें अर्ली हार्डनेस और स्ट्रेंथ आ जाता है, क्या आ जाता है, अर्ली हार्डनेस और स्ट्रेंथ आ जाता है,
ठीक है। तो ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में कुछ बातें थी। आगे जब आप पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको हाइड्रोलिसिस हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में, उसमें भी इसके बारे में कुछ चर्चा होगी। और हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है इसका, वो भी बताएंगे कि वो कितना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट। सेकेंड क्या हमारा, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है इसको हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, C2S से लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या करता है, जब हाइड्रेट होता है तो ये क्या करता है, इसमें हार्डनिंग जो होता है बहुत स्लोली स्लोली होता है और बहुत समय लेता है ये स्ट्रेंथ को ऐड करने में, ठीक है। ये क्या करता है हाइड्रेशन के बाद, इसके बाद क्या करता है, ये हार्ड जो होता है हमारा बहुत धीरे धीरे होता है, क्या करता है, बहुत धीरे धीरे होता है और ये क्या करता है, लॉन्ग टाइम लेता है, क्या करता है, टेक लॉन्ग टाइम टू एड द स्ट्रेंथ, टू एड द स्ट्रेंथ को ऐड करने में ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। ये डाइकैल्शियम सिलिकेट होता है। और ट्राइकैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, एकदम आपको जल्दी से वो वहां पे आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा चीज है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए भी, कौन, आपका ये डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपका किसके लिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तीसरी चीज है कि ये आपका जो केमिकल अटैक होता है उससे रेसिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता है केमिकल अटैक से, ठीक है, किससे, केमिकल अटैक से, ठीक है। तो ये डाई कैल्शियम सिलिकेट की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। और ये आपका जो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से कम होता है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना। आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्यों ऐसा सीमेंट यूज करते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए जिसमें कम मात्रा में हमको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट चाहिए और ज्यादा मात्रा में हमको C2S चाहिए, यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट चाहिए। जब हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे तो उन सब चीजों को हम उसमें देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सॉरी थ्री में हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये C3A जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब क्या है, ये आपका रिपीडली रिएक्ट करता है वाटर के साथ और रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, बहुत जल्द रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या करता है, बहुत जल्द रिएक्ट करता है वाटर के साथ, रैपिडली रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के बारे में हमने देखा कि ये क्या करता है आपका, ये आपका रैपिडली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या करता है आपका, रैपिडली मतलब बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द आपका ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, रैपिडली रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ बहुत जल्द रिएक्ट करता है। दूसरी चीज है कि ये आपका मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, ठीक है, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जो होता है हमारा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्राई कैल्शियम कौन सा जो कंपाउंड है वो सेटिंग टाइम के लिए, मतलब जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है उसके लिए ये आपका मोस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है और जो टेंडेंसी होती है वॉल्यूम चेंज की, ये सब क्रैकिंग वगैरह जो होता है इसका कारण भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, उसको हम लोग देखते हैं, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, ठीक है, टेट्रा
कैल्शियम, एल्यूमिनो फेराइट, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं किस चीज से, C4AF, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट के लिए। फ्लैश सेट क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन में, ठीक है। ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट के लिए, किस चीज के लिए, फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये लेकिन क्या है कि ये आपका हीट बहुत कम जनरेट करता है, ये क्या करता है, लेस हीट जनरेटेड, लेस हीट जनरेट्स, ठीक है। ये बहुत कम आपका हीट जनरेट करता है, लेस हीट जनरेटेड, ठीक है। और इसका जो सीमेंटिंग वैल्यू होता है बहुत पुअरेस्ट होता है, क्या होता है, पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू होता है, पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी जेई के एग्जाम में कि इन चारों में से किसका सीमेंटिंग वैल्यू सबसे कम होता है, सबसे पुअर होता है, तो वो हमारा होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट का, ठीक है। और दूसरी चीज आपको याद रखना है कि अगर हम क्या करेंगे कि अगर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट का कंटेंट घटाएंगे, सॉरी बढ़ाएंगे, तो स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। जब हम क्या करेंगे, राइज करेंगे, ठीक है, राइज करेंगे C4AF को, तो क्या होगा, ये जो स्ट्रेंथ है आपका, ये जो स्ट्रेंथ है आपका सीमेंट का, वो रिड्यूस करेगा, ठीक है, स्लाइटली थोड़ा सा रिड्यूस करता है। तो ये चार बॉक्स कंपाउंड थे जिनको हम लोगों ने देखा, और ये चार बॉक्स कंपाउंड कैसे आए उन सब चीजों को देखा, लगातार सीरीज में चल रहा है। हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा सीमेंट का, जो आपका सीरियली टॉपिक है सीमेंट में, वो सारा सीरियली टॉपिक मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एक एक करके, ठीक है। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे हमारे वीडियोज में। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।